श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गोवर्धन पूजा है आज और दिन है मंगलवार। गुरु जी की जो नियमित कथा सुनते हैं, उनके उपाय सुनते हैं, उन भक्तों को पता है कि आज पांच दीपक कहाँ पर लगाने हैं। यह पांच दीपक सब कार्यों की सिद्धि करेंगे। कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि है, रोग दोष कष्ट को भी मिटा कर रख देंगे। परंतु इसमें कौन सी बत्ती का प्रयोग करना है, किस विधि से लगाना है, घी का या तेल का, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहिए। जैसा कि गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है, गोवर्धन पर्वत उन्होंने हाथ में उठा लिया था, उनके उसी स्वरूप का आज के दिन पूजन किया जाता है। विधि विधान से पूजन करें और अपने जीवन में सभी कामना सिद्ध हो, यह कहते हुए प्रार्थना और परिक्रमा करें। हालांकि कैसे गोवर्धन पूजा के दिन घर पर पूजा विधान करना है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया उस वीडियो को देखिए ताकि आप शाम के समय की पूजा अच्छे से कर पाए। आज है मंगलवार के दिन। आज प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आवश्यक रूप से लंबी बत्ती, जैसे कि एक चौमुखा दीपक बना लिया, चाहे तो आटा का बनाए चाहे तो माटी का ले, इच्छा आपकी है। हनुमान जी महाराज के निमित्त चौमुखा दीपक शुभ देता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की यह प्राप्ति करवाता है। और घर पर भी आप सभी आज हनुमान जी के निमित्त दीपदान करते हैं तो शुभ ही शुभ माना जाता है। चौमुखा दीपक रोग कर्ज धन संपदा और सभी तरह की जो कामना है सिद्ध करता है और दुख दरिद्रता का नाश करने में सहायक होता है। तो आप चार मुखा दीपक ले और उस लौंग का एक जोड़ा या जो है असामान्य तरीके से जो है आप तिल्ली का तेल या सरसों का तेल या चमेली का तेल, हनुमान जी महाराज को खूब अधिक प्रिय है, आप समर्पित कर कर आए। चौहों दिशाओं से धन धान्य में वृद्धि होगी। हनुमान जी के मंदिर में जाएं या घर पर करें, इच्छा आपकी है। यह बात हो गई हनुमान जी के निमित्त आज दीपदान करने की। इसके साथ 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 गुरु जी ने जो विशेष पूजा हमें पंचदिवसीय करवा रहे हैं ना इन दिनों, तो उनमें गुरु जी ने कहा है कि जब गोवर्धन पूजा होगी, आप घर पर सरल तरीके से पूजन करेंगे, तो आपको पांच स्थानों पर दीपदान लगाना है घर पर ही, जो कि आपके जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करेंगे और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरेंगे। आज के दिन पांच दीपक आप आटे के बना सकते हैं, सामान्य सरल तरीके से माटी के भी दे सकते हैं। घी का प्रयोग करें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, शास्त्रों में यही विधान है। घी का ना हो पाने की स्थिति में तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। सुंदर भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए भाव के साथ पूजन करने का प्रयत्न करें। अब आप सभी इन्हीं दीपक से जो आपने जहाँ पर भी पूजन कर रखा है महालक्ष्मी का, या आपने नहीं भी कर रखा है, तो पांच दीपदान आज करें और माता लक्ष्मी का जो मूर्ति प्रतिमा है घर के मंदिर में आपने विराजित कर रखी होगी, या घर के मंदिर में ही जो देवी देवता विराजमान है, सबसे पहले उन दीपकों से आपको सभी देवी देवताओं की आरती कर लेनी होगी, ठीक है। आरती कर लीजिए, तत्पश्चात आप सभी को सबसे पहला उन पाँच दीपकों में से एक दीपक उसी स्थान पर रख देना है जहाँ पर आपने पूजा की है, ठीक है। यह रख दिया, उसके बाद दूसरा दीपक गुरु जी कहते हैं आप सभी को हॉल में रखना है। अपने घर का जो सेंट्रल जो एरिया होता है उसे हॉल कहा जाता है, बैठक का रूम, वहाँ पर दूसरा दीपक रखना है, ध्यान से सुनिए। तीसरा दीपक आप सभी को रसोई में रखना है, माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप के रूप में रसोई घर में जाना जाता है और पितरों का वास भी होता है, तो आप सभी को वहाँ पर जो है एक दीपक रखना है। तीन दीपक हो गए। चौथा दीपक गुरु जी कहते हैं आपको अपनी तुलसी माँ के निमित्त दीपदान के रूप में रखना है। पांचवा दीपक घर के जो है बाहर चौखट में रखना है, अर्थात देहली में आपको लगा देना है। इस तरह से आपको पांच दीपक का प्रयोग करना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इनका मुख करें, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ इनमें तिल्ली का तेल या घी भरे तो उत्तम रहेगा, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता आज के दिन, इस बात का ध्यान रखते हुए आप सभी दीपदान करें। अब इसमें गोल बत्ती का प्रयोग होगा या लंबी बत्ती, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि गुरु जी ने कहा है, पितरों के नाम का जो बत्ती होती है वह लंबी बत्ती का प्रयोग किया जाता है। तुलसी माँ जो है लक्ष्मी में वृद्धि करती है, वंश में वृद्धि करती है और साक्षात लक्ष्मी स्वरूप में है, तो देवी माँ के नाम की लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। तो आप सभी इन नियमों के तहत दीपदान करें तो अत्यधिक शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। और सभी देवी देवताओं के निमित्त दीपदान कर रहे हैं तो साधारण सरल तरीके से लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई दीपदान की। और साथ के साथ गुरु जी कहते हैं आज आप सभी को
जहाँ पर गोवर्धन पूजा आपने सुबह कर रखी हो या शाम को कर रखी हो, उसी स्थान पर भी गोवर्धन महाराज के निमित्त जयकारे लगाते हुए एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। यह 5 दीपक का उपाय अपने आप में आपके भाग्य को प्रबल करेगा, रोग दोष कष्ट का नाश करेगा, गोवर्धन पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त करवाएगा। साधारण सरल उपाय है, परंतु इसके अनगिनत लाभ है। कार्तिक माह की प्रतिपदा तिथि है, जो कि रोग दोष कष्ट का शमन करने के लिए है, और इस कार्तिक माह में जितना अधिक दीपदान किया जाए उतना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो महादेव के मंदिर में, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, साथ के साथ बहता हुआ पानी, पीपल वृक्ष और आवश्यक रूप से बेलपत्र, शमी वृक्ष, आकाश दीपदान की महत्वता इसमें कही गई है। इन स्थानों पर भी आप सभी दीपदान कर सकते हैं। इस तरह से आप सभी को दीपदान करना है आज के दिन, साथ के साथ हनुमान जी महाराज की सेवा अर्चना करें, कोई सरल सा मंत्र का जाप करें, साथ ही हनुमान चालीसा का जितना अधिक हो सके जो है पाठ करने का प्रयोग करें। एक साधारण सरल उपाय बताना चाहूँगी। गुरु जी कहते हैं विशेष तिथि, जैसे कि आज अपने आप में दुर्लभ तिथि है, तो आप सभी को क्या करना चाहिए कि हनुमान जी महाराज के निमित्त विशेष तौर पर आज 108 पत्तियां लेनी है, ठीक है। 108 पत्तियां ले लीजिए, आप आंकड़े की पत्ती ले लीजिए, 108 की महत्वता सर्वश्रेष्ठ है। आंकड़े की पत्ती लेकर आप सभी कहीं भी जाएंगे आंकड़े की पत्ती प्राप्त हो जाएगी। आप एक कटोरी में सिंदूर ले लीजिए और उसमें घोल लीजिए, आप तेल से भी घोल सकते हैं, घी से भी घोल सकते हैं, दूध से भी घोल सकते हैं, आप सभी घोल लीजिए सभी पत्तियों पर, बस एक पत्ती को छोड़कर सभी पत्तियों पर सीताराम लिख दीजिए, ठीक है। लिख दिया सिंदूर से सीताराम, बस एक बची हुई जो अंतिम पत्ती है ना, उसको अपने हाथ में रखें, अपना नाम गोत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोलें, तत्पश्चात आप सभी इसे उस धागे में बांधें, माला के स्वरूप में रखना है इसे, और धागे को जो है लाल उसमें बांधें, ठीक है। लाल कलावा आता है ना, और हनुमान जी की धातु, हनुमान जी को प्रिय वस्तु जो है वह लाल रंग की होती है, तो आप सभी कलावा में सभी 108 पत्तियों को माला के स्वरूप में पिरो दें और बांध दें। बांधने के पश्चात हनुमान जी महाराज के गले में अपने नौकरी, ट्रांसफर, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए समर्पित करवा दीजिए, अर्थात चढ़वा दीजिए, ताकि आपके जीवन में आने वाली विपदाएं दूर हो और हनुमान जी महाराज चहों दिशाओं से आपके परिवार की रक्षा करें। तो इस तरह से आपको शाम के समय दीपदान करना है और यह सरल सा कार्य करना है, भाग्य प्रबल होगा, सब तरह की परेशानी दूर होगी। पहले ही चैनल पर गोवर्धन पूजा कैसे घर पर आपको करनी है इसका वीडियो दिया गया है, कृपया उस वीडियो को देखिए, साथ ही गोबर और विशेष उपाय आटे का बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आज 108 की संख्या पर लौ जो है वह मसूर की दाल या 108 लाल फूल शिवलिंग पर चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। यह लाल फूल या लाल मसूर की दाल कर्ज रोग से सदा सर्वदा के लिए मुक्ति देती है, क्योंकि मंगल ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ है। लाल रंग का जो चंदन आता है उसका पानी भी शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। यह वीडियो उचित उपयोगी रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।